दोनों कर लें फोटो खिंची भेजी भेजी देने के पूरे सारे वार्ड नंबर 14 के जिहड़े साढ़े कौंसलर जो बाकी धीरू और राहुल जी और गोभी जी सारे और मैं MLA साहब और चेयरमैन साहब का बड़ा दिल की गहराइयों के शुक्रिया अदा करना क्योंकि मैं बड़ा पहले भी एक बार इवेंट रखिया MLA साहब अगे और चेयरमैन साहब अगे उन्हें आख्या जो नवा नवा मैं बनया क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट बड़े होंगे इतने इतने लोग सैर करते एक्सीडेंट बड़े होंगे कि मैं सैर करने वास्ते MLA साहब ने और चेयरमैन साहब ने आख्या कि ये ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट रखे दे रहा क्योंकि नवे नवे जो कौंसलर बने सोचते हैं कि इतने सैर सूर करने वास्ते एक जगह बनी जाए तो वो अज इंदा मेरा वादा पूरा लोगों का पूरा पूरा ही है इस वास्ते MLA साहब और चेयरमैन साहब का और मैं बाकी कौंसलर का और लोगों का भी और राजू का भी सारे बिंदर सारे का मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना और जय हिंद जय भारत। प्रधान साहब और इनकी जो टीम है इनको बहुत बधाई देता हूँ कि जिस गति और जिस स्पीड से ये काउंसिल काम कर रही है मेरे को लगता नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप नज़र दौड़ाएं कोई काउंसिल ऐसी नहीं है कोई कमेटी ऐसी नहीं है कि जिसका मुकाबला कठुआ से किया जाए। मुकाबला विकास की गति की तरफ इशारा मैं दे रहा हूँ। लेन हो ड्रेन हो जहाँ वार्ड के प्रति जो समस्याएं रहती हैं जो लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ देने की बात है उनको लेकर जो समस्याएं रहती हैं ये सारे काउंसलर्स एक जुटसा से ये सब लगे हुए हैं और इनको मैं बधाई देता हूँ। जहाँ तक जहाँ हम आज खड़े हैं जिनका ये वार्ड है पी बॉस और पीयू जी का और दलजीत गुणी जी का और भी जितने सारे साथी हैं राहुल जी का ये सारा एक कॉमन पैसेज है। इसको बेसिकली हम कठुआ कनाल भी कहते हैं। मेरे को याद है जब मैं असेंबली में था तो हमने इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए पता नहीं प्रधान साहब के वो वाले पैसे आए या नहीं आए मेरे को लगता है टोकन मनी तो आया होगा। दो ही प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ गामी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का वो 24 करोड़ का ये जो कठुआ कनाल है इसकी मॉडर्नाइजेशन कर ली। ये एक छोटे छोटे इन्होंने कार्य किए ठीक है प्रधान साहब ने कि जो डिपार्टमेंट जो एजेंसी इसको कार्य को कर रही है बहुत सारी जगह हमने देखा है कि यहाँ यूटिलिटीज़ हैं कहीं ट्रांसफार्मर है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो ठीक है इन्होंने उसको जहाँ भी है उसको काम को बंद करवा के जहाँ कोई रीरूट करने की बात है उसको रीरूट करना चाहिए क्योंकि लोगों की पैसा है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से लेकर कुके चक तक हम बात करें कि 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच ये है 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच इस तरफ है इससे सबसे बड़ी सुविधा जो सैरगाह करने वाले लोग हैं चाहे दिन को चाहे शाम को उनको एक सुविधा मिलेगी। और सबसे अहम काम इस काउंसिल ने जो किया है ये जो ड्रीमलैंड पार्क है जहाँ जो ये नहर है कठुआ कनाल जिसको हम कहते हैं ये कठुआ का एक अट्रैक्शन भी है। आपने देखा गर्मियों में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं पंजाब से भी लोग यहाँ आते हैं। इसके फेस को जो अपलिफ्ट करने का काम जो इस काउंसिल ने किया है प्रधान साहब ने और इनकी टीम ने किया है इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी काउंसिल्स हैं जितनी भी कमेटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में ये अपने रिसोर्सेज से इतने पैसे हैं नहीं हमारे क्रिएशन करके पैसे का और उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करना है उसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है ये काउंसिल कर रही है। आज यहाँ वार्ड नंबर 14 के अंदर और सात वाला एरिया 13 और 21 ये इस एरिया के अंदर अभी 300 फुट नीचे एक हमारे दोनों द्वारा एक पार्क का भी उद्घाटन किया गया था वो लगभग 90% कंप्लीट है। उसमें थोड़ी कमी थी 6 लाख रुपये उसका और हमने दे दिया ताकि वो पार्क पूरा कंप्लीट हो जाए। और ये जो आज पाथवे 60 लाख रुपये का जिस काम का अभी उद्घाटन किया गया ये जहाँ से लेके ड्रीम पार्क तक ड्रीम पार्क से लेके DC ऑफिस तक रेडियो स्टेशन रोड और जहाँ से लेके D1 तक 60 लाख रुपये का वो अगला टेंडर अभी
ये पीडब्ल्यूडी की नकलीजेंसी से वो अभी काम हमारा शुरू नहीं हुआ है। पैसे हमारे आए हैं, चंचन है, टेंडर हुआ है, ठेकेदार नहीं क्यों नहीं काम करता, वो डिपार्टमेंट का काम है इनको पूछना। और जहाँ आज ये जो उद्घाटन किए गए, ये हमारा एक ही मकसद है, कठुआ का विकास। और कठुआ का विकास सिर्फ लेन ड्रेन नहीं है, कठुआ का विकास चारों सेक्टर में हो, जैसे शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, जैसे पार्क हो, जैसे लोगों का अच्छा वातावरण, ग्रीनरी पे लोगों को सैर करने के लिए। और इस डिपार्टमेंट को मैं फिर कहता हूँ आपके माध्यम से, इनकी नगलीजेंस, इनको हमने जब एस्टिमेट बनाने के लिए कहा था तो इनको कहा था हर 100 मीटर के बाद एक हट बनाना, एक खूबसूरत पाथवे बनाना है, जैसे जम्मू नहर के अंदर एक साइड ग्रिल, दूसरी साइड पर ग्रिल, बीच में लोग सैर करें और हर 100 मीटर के बाद एक हट बनाए, उसके अंदर बैंक लगा दें ताकि जो बुजुर्ग दो लोग सैर करें। अब इन्होंने सारा उल्टा किया, सारा पैसा हमारा वेस्ट करने के लिए, बहुत सी इन्होंने खराबी की है। अभी मैं पिछला जो ड्रीम पार्क वाला काम जो है वो बंद करवाऊँगा, वो उसकी हालत देखना, आप भी कैमरा मारना क्या इन्होंने वहाँ काम किया है। सेंटर के अंदर पौधे हैं, या आप अलाइनमेंट चेंज कर लो, या वो जो एक एक कोई पौधे बीच में हैं लोगों की सैर करने के लिए बनाया है, या रुकावटें डालने के लिए वो बनाया है। ये ऐसे फजूल खर्ची वो हम नहीं करेंगे। हमने जो लोगों का मकसद है, जिस मकसद के लिए हमने बनाया, उस मकसद के लिए हमने देख लूँगा। लेकिन आज यहाँ वार्ड नंबर 14 के अंदर MLA द्वारा जो उद्घाटन किएगा, ये पैसा हमें सरकार ऊपर से दे रही है, ये कोई पैसा ऐसे नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं लोगों को पूछें उनकी क्या आप इच्छा है, किसी के घर मकान है या नहीं है, हाउस पार आल जो मेरी स्कीम है 2022 तक कंप्लीट करनी, वो लोगों को तक पहुंची है नहीं पहुंची है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ म्यूनसिपल काउंसिल ने तकरीबन 600 मकान कंप्लीट किया है और 400 के हमने और रिकमेंड करके भेजे हैं, उसके भी पैसे हमारे पास आने वाले हैं। तो हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, चाहे पार्क हो, तो इसलिए शहर के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।